अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दो दिन हमने मसला के दुकानों का आपको बताया था, आज मसला का पार्ट 3 हम लेकर आए हैं, जिसमें हमने सारे कैटरर्स लिए हैं। मसला में जो 5 कैटरर्स हैं जिसमें हम शादी के ऑर्डर देते हैं, उन सारे कैटरर्स के मालिकों से जाके हमने बात की, जो अवेलेबल थे उन्होंने बात किए, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। चलिए हम कैटरर्स की तरफ आपको लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक देना है और शेयर करना है। ये गिफ्ट है हमारा, अहले मसला का गिफ्ट है। ये चैनल आपका है, आप ही को इसको प्रमोट करना है। और जितने भी लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आपकी वीडियो भी इस चैनल पे बताएंगे, ये वादा रहा। आप कॉल कीजिए, मुझे बुलाइए, इंशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं उसको भी हम इस चैनल पे बताएंगे। चलिए हम चलते हैं कैटरर्स की तरफ और आपको उसका मंजर बताते हैं। हम पहुंचे हैं तैबा कैटरर्स, ये नईम दलवी साहब का है। मैं आपको लोकेशन बताऊंगा कि आप दिगी रोड से आएंगे तो बिल्कुल कॉर्नर पे आपको ये कैटरर्स मिलेगा, बीएम मोटर के बिल्कुल बाजू में। हम इसके बारे में जानेंगे और तफसील से जानेंगे। चलिए हम इसके ऑनर से बात करते हैं। हम इस कैटरर्स के ऑनर से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो तैबा कैटरर्स है, ये मसला का सबसे पुराना और सबसे पहला कैटरर्स है। ये मसला वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि माशाल्लाह, पहले हम देखते थे कि हम दूसरी जगह पर ये फैसिलिटीज देखते थे, लेकिन नईम भाई ने इस गांव में इब्तिदा किए और इन्हीं को मतलब देखकर दूसरे लोग भी इसमें आ गया है, इस बिजनेस को देखकर, और उन्होंने भी अपना कैटरर्स बनाया है। सबसे पहले हम नईम भाई से जानना चाहेंगे कि नईम भाई, हमने देखा है कि तैबा कैटरर्स काफी फेमस है, बहुत जगह पर माशाल्लाह आपकी जो है तारीफ भी होती है, लोगों ने आपका खाना खाया है, पसंद आया है, और बहुत सारे डिशेस हमने भी खुद ने खाए हैं, वाकई में बहुत ही बेहतरीन डिशेस रहती है आपकी। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको कि आप दिल से बनाते हैं। हमने इस्तिमा में देखा है आपके कैटरर्स का मामला कि वाकई में आप बहुत अच्छा बनाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपके कैटरर्स पर क्या क्या मिलता है और किस तरीके से आपसे सब हैंडल करते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और साथ साथ हमारे आसिम आमिर जी का, जिन्होंने मेरे ख्याल से इसके पहला जो पार्ट उन्होंने शुरू किया था स्कूल का, और माशाल्लाह मसला के तमाम स्कूलें उन्होंने बताया, उसके बाद दुकान या कैटरर्स, तो मैं पहले मुबारकबाद दूँगा कि अच्छी चीज़ लोगों तक वो पहुँचा रहे हैं। और इधर कैटरर्स की तो अलहमदिल्ला मसला में सबसे पहला जो कैटरर्स है तकरीबन 12-13 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया, दूसरे ब्रांच में 12 दिन में गए, और अभी इस तरीके से हालात रहे लोगों को, अगर बना के चाहिए सिर्फ पूरी ऑर्डर चाहिए, पूरी ऑर्डर में हम मंडप है हमारे पास, मंडप के अलावा मेहंदी, मेकअप, फोटोग्राफी, ये आपको कहाँ जाने की जरूरत नहीं, हर चीज़ सिर्फ आप बोलो कि आपको क्या चाहिए वो अलहमदिल्ला हमारे घर अवेलेबल है। नहीं भाई, थोड़े इसे भी डिशेज आप देखते हैं कि मतलब के एक टाइम का भी आपको कभी ऑर्डर आती है तो क्या आप ऐसे भी ऑर्डर लेते हैं, दोपहर की या रात की कभी दी जाती है? जी, वो ऑर्डर बहुत आते हैं, लोगों को एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है यहाँ पर कि मेहमान आया तो कैटरर्स से 1-2 किलो 4 महीना मेहमान पाँच मेहमान आए तो वो ऑर्डर आते हैं, और माशाल्लाह अच्छे ऑर्डर आते हैं, 1-2 किलो मिनिमम हमारे यहाँ से 1 किलो की ऑर्डर जाती है, और 1 घंटे के अंदर अलहमदिल्ला 1 किलो अगर बिरयानी किसको चाहिए अर्जेंट में आता है तो 1 घंटे तक बना के देते हैं। और एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक बात तो हमने सबसे ज़्यादा मशहूर है कि आपका जो डेकोरेट है वो शायद के पूरे रायगढ़ में सब पसंद करते हैं, और अभी जो आपने स्टेज लाया है क्या उसके चार्जेस है और किस तरीके से आप मतलब अवेलेबल करते हैं कि वाकई में वो बहुत खूबसूरत स्टेज है, लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि उसका चार्ज क्या होगा, तो थोड़ा मालूम दीजिए इसके बारे में। देखो, अपने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अगर तुम देखेंगे तो मसला में मंडप रहो, कैटरर्स रहो, इसके सब इसके चार्जेस वो बहुत कम है। दूसरे जो सिटीज़ हैं, फिर रोहा रहो, अलीबाग रहो, उससे अपने जो मसला के जो चार्जेस हैं मंडप वगैरह के स्टेज के, और जिस तरीके से जिसको जैसे सामान लगता है उस तो हिसाब से चार्जेस लगते हैं। जज़ाकअल्लाह नईम भाई, बहुत बहुत अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके कैटरर्स को दिन दुनी रात चौनी तरक्की अदा करे, अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए। आप वाकई में दिल से काम करते हैं, जहां आप देखते हैं हर इसमें आप आगे भी रहते हैं, ये आपके जज्बे को सलाम है हमारा। अहले मसला आपकी तबीयत के लिए भी दुआ करते हैं कि इस वक्त आपके पैर में मोच आई है, उसके बावजूद भी आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहत से नवाजे। चलिए हम किसी और की तरफ चलते हैं और वहाँ का आपको मंजर बताते हैं, वहाँ की मालूमात आपको देते हैं।
अब हम पहुंचे हैं हयात कैटरर्स। इमरान बशारत साहब इसके ऑनर है। मैं सबसे पहले आपको इसका लोकेशन बताऊंगा कि ये जुना पेट्रोपंप जो है सूफी फूड पॉइंट के बाजू में बिल्कुल वहीं पर जो एक कैटरर्स है जिसका नाम है हयात कैटरर्स। चलिए अपन इसका अंदर से भी निदर करेंगे। आप देखोगे कि काफी सामान लोड किया हुआ है, यानी ऑर्डर्स माशाल्लाह काफी ज्यादा है यहाँ पर। अंदर का भी हम थोड़ा सा नजारा बताएंगे कि ये जो किचन है यहाँ पर सफाई देखिए आप, माशाल्लाह अच्छी सफाई है, अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। आप देखोगे कि यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई है सफाई अच्छी हो रही, काम अच्छा हो रहा है और काफ़ी स्टॉक भी रखा हुआ है, यानी यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स भी आते हैं। मैं खुद यहाँ पर खाना खाया हूँ कि वाकई में काफ़ी जायका होता है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कैटरर्स को भी आप प्रमोट कीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑर्डर्स आते हैं, आप इसमें और इजाफा आता करें। यहाँ का टेस्ट ज़रूर चेक करें, जब भी आपको ऑर्डर देनी रहेगी आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ का जो है टेस्ट आप ले सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन खाना बनता है। इमरान बशारत साहब इसके ऑनर हैं, आप आइए उनसे बात कीजिए और इस कैटरर्स को भी प्रमोट कीजिए, काफ़ी बेहतरीन खाना यहाँ पर मिलता है। अंसार बशारत साहब आप जानते होंगे कि इनके हाथ में अल्लाह ने जायका दिया है और यहाँ पर वो उनके भाई हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिन्होंने राज्यों में तरक्या तक है। आप देखोगे कि यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है 9226174119, ये कैटरर्स वाले का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट करके कैटरर्स पर आ सकते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह दिन दुनिया राज्यों में तरक्या अदा करे। चलिए किसी और कैटरर्स पर हम चलते हैं और वहाँ का मंजर भी आपको बताते हैं। अब हम पहुंचे हैं जायका होटल एंड कैटरर्स। आप देखोगे कि 2010 से इसकी इब्तिदा हुई है। जो डिशेस आपको दिख रहे हैं तो ये रेगुलर चलने वाले हैं, इसके अलावा काफ़ी बेहतरीन डिशेस यहाँ पर बनाए जाते हैं। आइए थोड़ा सा हम आपको अंदर का भी नज़ारा बताते हैं। ये देखिए, ये शाम के वक्त में ये डिशेस बनाई जाती है, आप कभी भी आकर यहाँ इसे ले सकते हैं। इसके जो ऑनर है सलीम साहब, इसके ऑनर जो है सलीम वस्ता साहब, जो काफ़ी माशाल्लाह बेहतरीन मसला वाले की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत सालों से ये कैटरर्स चल रहा है और बेहतरीन खाना यहाँ पर मिलता है। हमने यहाँ का भी जो खाना है जो खाया है और अल्लाह का करम है कि माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर खाना बनता है। आप देखोगे कि इस कैटरर्स का नाम भी काफ़ी बेहतरीन है, जायका, मतलब जायका मतलब होता है टेस्ट। आप आकर टेस्ट चेक कीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर कुछ बनाया जा रहा है, हम जानना चाहेंगे आप क्या बना रहे हैं? रोल बना रहे हैं। क्या बना रहे? रोल। अच्छा, रोल बना रहे हैं, माशाल्लाह यहाँ पर जो है रोल बन रहा है, यहाँ पर जो है अंडा भी जो है वो बनाया जा रहा है, पता नहीं इसका क्या बनने वाला है, हम थोड़ी देर में आपको वो भी बताएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ बनाया जा रहा है, आप क्या बना रहे हैं? ये रोल का मसाला वाला। अच्छा, रोल का जो है मसाला बनाया जा रहा है, हम इस रोल को टेस्ट भी करेंगे कि यहाँ का जायका कैसा है, क्योंकि जायका नाम है तो जायका चेक भी करना पड़ेगा। हम यहाँ का जायका चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का जायका कैसा है। ये देखिए यहाँ पर जो है अंडा डल गया है, इसके बाद यहाँ पर जो है वो चिकन डाली जा रही है। देखिए आप मटेरियल क्या क्या, काफ़ी लोडेड है ये, इसको खाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। आप ज़रूर ना सलीम वस्ता साहब के दर की यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन चीज़ें बनती है। आज हम यहाँ पर आए हैं, हम भी चेक करना चाहते हैं कि वाकई में जायके का नाम काफ़ी सुना है हमने मसला के अंदर, हमने चेक भी किया है ये जो चीज़ बन रही है, रोल बनाया जा रहा है, हम इसको भी चेक करेंगे। देखिए ये अब पैक किया जा रहा है, अब ये वहाँ पर फ्राई होगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम ज़रूर इसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको इसका जायका भी बताएंगे। ये देखिए ये रोल जो है वो तले जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया हूँ, काफ़ी बेहतरीन खुशबू भी आ रही है, देखने में भी मज़ा आ रहा है, खाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जायका हम टेस्ट करने के बाद आपको रिपोर्ट ज़रूर देंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि ये रोल जो है काटा जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो तवा डिशेस है ये शाम में यहाँ पर जारी होते हैं, कैटरर्स के तो ऑर्डर यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसके अलावा ये होटल भी है, जायका होटल के नाम से होटल है, जिसमें काफ़ी डिशेस आपको मिलती है तवा के ज़रिए, जो भी आइटम बनते हैं आप देखोगे। अभी देखो ये रोल इसमें आए हैं, हम इसका जायका चेक करते हैं, उसके बाद आपको इसका जवाब देंगे। इसके साथ में आप देखोगे कि इन्होंने हमको लीमू दिया है और जो है ग्रीन चटनी दी है, वाकई में अच्छा स्वाद नज़र आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। माशाल्लाह हमने अभी ये खाए हैं, ये इमरान भाई है जिन्होंने ये बनाया था। इमरान भाई वाकई में ये जायका होटल है और इसका जायका हमको बहुत पसंद आया। यहाँ पर जो है फरमान नाम का लड़का है जो काम करता है, इसी तरीके से ये लड़का जो हसन अली
सलीम भाई, हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि हम आपके होटल पर आए, हम आपके कैटरर्स पर आए। वाकई में इन तीनों ने हमको काफ़ी इज्जत से नवाजा। आते ही हमको आपके ऑर्डर पे उन्होंने ये चीज़ें बनाकर भी दी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको यहाँ पर खाने पीने का भी मौका दिया। चलिए किसी और कैटरर की तरफ चलते हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जायका होटल को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्कियां तक करे। और ये जो तीन लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वाकई में बहुत ही बेहतरीन बंदे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की भी हिफाजत करिए। चलिए किसी और होटल की तरफ चलते हैं और कैटरर्स की तरफ चलते हैं, उसके बारे में आपको मालूम है। अब हम पहुंचे हैं हीना कैटरर्स। आप देखोगे कि इमरान कादरी साहब जिनका ये कैटरर्स है, यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है 9226331964। काफी बेहतरीन कैटरर्स है नया नगर। मैं आपको लोकेशन बताता चलूँ कि यहाँ पर जो ऊपर बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके सामने से जो रास्ता जाता है ये बिल्कुल इनकी कैटरर्स की तरफ आता है। आप देखोगे कि यहाँ पर चीज़ें भी बनाई जाती है जिसका सबूत यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखोगे कि हम ऑनर के पास भी पहुँचे हैं और हम ऑनर से भी जानना चाहेंगे कि उनके कैटरर्स की क्या खूबी है। इमरान भाई, सबसे पहले हम कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि आपने माशाल्लाह यहाँ पर कैटरर्स खोला है। पहले हम लोगों को देखते थे कि घरों में खाना बनाना फिर टाइम पास होना, लेकिन आज कैटरर्स आने की वजह से काफ़ी सुकून मिला है, आसान हो गया है काम। और माशाल्लाह हमने ये भी देखा है कि आपका जो दूसरा ब्रांच है वो गोरेगांव में भी है, यानी तरक्की की तरफ है। और तरक्की की तरफ वही जाता है जो अच्छी फैसिलिटीज देता है। इसके अलावा दिघी साइड पर भी देखेंगे कि लोग आपको पसंद करते हैं। हम जब भी दिघी में गए हैं आप नजर आए हैं, आपका खाना नजर आया है। ऐसी क्या खूबी है और क्या क्या आप बनाते हैं जरा हमको आप बताएंगे तो हम ज्यादा बेहतर होगा कि आप खुद अपने मुंह से बताएं लोगों को कि आप क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं। जो इतनी तकलीफ करके यहाँ तक पहुंचे हैं और जहां तक कैटरर्स की बात है हमारे ना कैटरर्स में अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआ है कि उस नाम से आज मैं जाना जाता हूँ। नईम के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो तैबा कैटरर्स के नाम से मशहूर है। ये हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह पे गए हैं, जहाँ तक औरंगाबाद एक लंबी लंबा शहर है जहाँ पे बहुत बड़ा खाना मतलब इज्तिमा जो हुआ था, ये हम दोनों कैटरर्स जो अल्लाह के करम से बहुत हम दोनों से और क्या नहीं हर खुद इमरान बशारत भी है, मैं उनके ज़्यादा करीब नहीं हूँ लेकिन नईम दलवी के करीब बहुत जो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के हम लोग दोनों खिदमत अंजाम देते हैं और नईम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसला में भी खिदमत अंजाम देते हैं। और जहाँ तक जायके की बात है अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे मसला में कैटरर्स हैं सबका जायका अच्छा है, किसी का जायका खराब नहीं है। और जहाँ तक हमें ये पता चल रही इसमें हमारे नसीर मिठागरे मेरे पार्टनर है वो वाइमर, आप देख सकते हैं इतना कैटरर्स ऊपर वाइमर लिखा हुआ है, ये हम दोनों पार्टनर है, हम दोनों मंडप का भी काम करते हैं, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेशन का भी काम करते हैं। जहाँ तक डेकोरेशन की बात है हमारे नईम गली से पहले हमारे नसीर मिठागरे साहब आए थे डेकोरेशन के और कैटरर्स में सबसे पहले नईम गली आए यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे कैटरर्स लाइन लाए और लोगों को खिदमत अंजाम दिए, उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआ से आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे। इमरान भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो है ब्रांच जो है एक और ब्रांच भी हमने सुने हैं, कहाँ पर है आप बता सकते हैं? दूसरा ब्रांच है गोरेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे भी बहुत मशहूर है, वहाँ पे वो भी हिना कैटरर्स के नाम से ही मशहूर है, वो हमारे मोहम्मद साहब संभालते हैं वहाँ पे, लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम है। अच्छा, छोटे ऑर्डर्स भी लेते हैं, समझो शादियों की जो बड़ी ऑर्डर्स आती है वो तो आप तो लेते ही है, इसके अलावा कभी दोपहर का खाना रहा शाम का खाना रहा तो कितना घंटा पहले आपको बताना पड़ता है? कम से कम एक घंटा पहले अगर बताते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ जहाँ तक है वो तैयार करके मिल जाती है, लोगों को एक सहूलत है कि मेहमान आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक घंटे के अंदर पाँच आदमी का लास्ट एक किलो से स्टार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह एक घंटे के अंदर हम लोग दे देते हैं। चलिए, जजाकल्लाह इमरान भाई, बहुत बहुत जजाकल्लाह, अल्लाह जजाए खैर दे आपको। अभी हमने देखा कि हम इमरान कादिर साहब से बात कर रहे थे जो इस कैटरर्स के खुद ऑनर है और वाकई में मैं काफ़ी खुश हुआ कि उन्होंने मसला के तमाम कैटरर्स की तारीफ की, साथ में अपने कैटरर्स के बारे में बताया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सबों को तरक्की दे, नजरें बस से बचाए, आपस में इसी तरह से इत्तिफाक व इतिहाद रखे। इमरान भाई, आपकी खूबी काफ़ी पसंद आई कि आपने सभी का जिक्र किया, आपकी इस खूबी को हमारा सलाम है, अल्लाह ताला आपको दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की अदा करे। चलिए किसी और कैटरर्स की तरफ हम चलते हैं और उसका नज़र आपको कराते हैं। अब हम पहुंचे हैं समी कैटरिंग सर्विस।
अबू शमा जो है इसे हैंडल करते हैं। मैं आपको इसका लोकेशन बताऊंगा कि ये जो डिगी रोड पर जब आप आओगे तो जब आप देखोगे कि बंदर का जो ग्राउंड है बिल्कुल उसी तरफ ये कैटरेस है। माशाल्लाह काफी बेहतरीन खाना यहाँ पर बनता है, हमने खुद ने यहाँ पर खाना खाया है, काफी टेस्ट रहता है इसके अंदर। अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह ताला इन्हें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। बहुत सारे कैटरेस हमने आज आपको बताए है, उसमें से ये भी एक कैटरेस है। चूंकि इस वक्त ये कैटरेस हमको बंद दिख रहा है, शायद ऑर्डर पे गए हुए हैं अबू शमा साहब, वरना उनका भी इंटरव्यू लेते थे। अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह ताला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता करे इस कैटरेस को, काफी बेहतरीन खाना मिलता है। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर यहाँ पर आए, इस कैटरेस का भी खाना टेस्ट करें। अबू शमा आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, ऊपर सारी डिटेल्स दी हुई है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल मिलता है, ये किस रोड पर है। आप इनसे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह अपनी कार्रवाई में इनको याद करें। चलिए किसी और जगह चलते हैं। अब हम पहुंचे हैं एक ऊंची जगह पर, दिगी रोड पर। ये आप मसला का खूबसूरत मंजर देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने आपको सारे कैटरेस की मालूमात दिए। हमारे गांव में 5 कैटरेस है जो हमारे मसला वालों के लिए है, मसला वाले के हैं और मसला वालों के लिए है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि जब भी जहां भी जैसी भी आपको जरूरत पड़ेगी आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबों का कैटरेस अच्छा है, सबों का खाना अच्छा है। अल्लाह ताला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता करें। आज की हम वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे। जाने से पहले हम फिर से आपसे कहेंगे कि इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाई जाती है, 1.5 से 2 घंटा जाता है वीडियो बनाने के लिए, तो क्या चाहिए हमको बता सकते हैं। आपके जबान पे एक ही लफ्ज आएगा, एक लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपके मसला का चैनल है, MHQ क्लासेस चैनल की आपका चैनल है, हमारे मसला का चैनल है। जो लोग भी इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं हम उनकी वीडियोस भी इस पर डालेंगे। आप मुझे कॉल कीजिए, जो भी बिजनेस है आपका या आप जो भी करना चाहते हैं और जिस तरह से आप वीडियो बनाना चाहते हैं हम बनाएंगे और इस चैनल पे अपलोड करेंगे। माशाल्लाह 400-500 लोग इसको देखते हैं, आप ही के बिजनेस की वीडियो बनेंगी, आप लोग तरक्की करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको तरक्की दे। चलिए आज की वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं, बहुत जल्द फिर से हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये हालात जो खराब है उसको ठीक करे। मैं हाफिज आसिम, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबों की हिफाजत के लिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।